पिपरी में लगातार बढ़ती गर्मी के साथ ही पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है। यहाँ के सदर प्रखंड के अगदोनी कला क्षेत्र में बीते 2 साल से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। इस क्षेत्र की हजारों की आबादी जो है वो प्रभावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल स्रोतों में पानी कम होने से जल संकट गहरा गया है। गर्मी के साथ हलक सूख रहा है और धरती भी सूख रही है। ऐसे में ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। जैसे तैसे चापानल और कुएं का सहारा है, मगर गर्मियों के कारण पानी का जलस्तर नीचे होने से अब पानी को लेकर चिंता सताने लगी है। ग्रामीण बताते हैं कि करोड़ों रुपए खर्च कर जल मीनार बनाया गया था। कुछ दिनों तक तो पानी आया, मगर पास के चानक में आग लगने के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। हम होश में आए तब से यहाँ समस्या है पानी का, और कभी पानी का समस्या यहाँ हुआ है नहीं। यहाँ 1.5 किलोमीटर दूर में एगो पुराना जमाने में एगो कुआं है, वहाँ से सब पानी ला के यहाँ पे पानी पीता है। बाहरी यहाँ पे जो चापाकल है वो कभी सक्सेस नहीं हुआ, जलस्तर नीचे है। 2017 में पाइपलाइन का एक्सटेंशन हुआ था, सब करोड़ों रुपये का इसमें एक्सटेंशन में पैसा निकाला गया। पीने का पानी में बहुत परेशानी है, पानी के जलस्तर नीचे हो गया है, जिसे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। चापाकल कुआं सब सूख गए हैं। एक और पानी टंकी था जो किसी कारणवश बंद है, 2 साल से पानी नहीं मिल पा रहा है। कई बार इसका सर्वे भी कराया गया, लेकिन अभी तक कुछ अमल नहीं हो रहा। बोला हो रहा है टेंडर, हो रहा है टेंडर, ये कह के विभाग इसको टाल रही। वहीं इस मामले पर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता बताते हैं कि इस मामले में विभाग को पत्राचार किया गया है। वहीं तत्काल ग्रामीणों को पेयजल मुहैया कराने के लिए डीप बोरिंग कराई गई है। जल्द ही वहां से लोगों को पानी देने की व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। कला के लिए भी हम लोग के द्वारा हम लोग पूर्व में भी सीडीओ को परामर्श नियुक्ति है तो पत्र लिखे थे, लेकिन वहां से कुछ ऑब्जेक्शन आया कि अधीक्षण अभियंता के मंतव्य के द्वारा जो है कुछ ऑब्जेक्शन कंप्लायंस करते हुए भेजना है। तो हम लोग लगभग 2-3 2-3-22 को हम लोग यहाँ से अधीक्षण अभियंता को अपना जल जांच वगैरह करा करके भेजे, उनके मंतव्य के साथ जो है वो सीडीओ जाएगा। सीडीओ जाने के बाद जो है तत्काल फिर हम बात कर करके जल्दी से कोशिश करेंगे कि अगदोनी कला में कंसल्टेंसी बहाल हो जाए। बहरहाल बढ़ती गर्मी के साथ लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है। पेयजल के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। अब देखना है कि विभाग कब तक इन परेशानियों का हल कर पाता है। न्यूज 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।